नमस्कार, सुस्वागतम। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, एसोसिएट डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली से। आज मैं आपसे जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो इस रिगार्डिंग ये जो लॉकडाउन है और ये कभी एक्सटेंड हो रहा है, कोविड वायरस के बारे में सब कोई परेशान है कि ये कब ख़त्म होगा और हर कोई निगेटिविटी। ये बीमारी जो हम सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन अभी 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 15 दिन में, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कोई स्पेशलिस्ट कह रहा है कि ये 2 महीने में पीक करेगा, कोई कह रहा है 4 महीने में ख़त्म होगा। हमारे पास इतने लाखों बीमारियां हैं, उसमें से केवल गिनती की 2 बीमारियां हैं जो आज तक ख़त्म हुई हैं, वो एक पोलियो है और दूसरी स्मॉल पॉक्स है, और सब बीमारियाँ मैनकाइंड के साथ सब रह रही हैं। तो हमें जो लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि इस बीमारी से कैसे हम लड़ें कि ये बीमारी हमारे को परेशान ना करे। लॉकडाउन से जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि लॉकडाउन से, एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन से, इस बीमारी का हम पीक अवॉइड कर सकते हैं, पीक को डिले कर सकते हैं, या उतना ह्यूमन लॉस, जितने लोग मर रहे हैं कि जैसे स्पेन, इटली, फ्रांस, अमेरिका में हम देख रहे हैं इतने लोग रोज मर रहे हैं, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और उसमें हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। बट लॉन्ग टर्म में हमें लर्न करना पड़ेगा अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें कि जिससे हम इस बीमारी से कंटिन्यूसली लड़ते रहें और हम बचे रहें। तो एक तो जो चीज़ हमारे लिए लर्न करने की है वो कुछ एटिकेट्स हमें लर्न करने होंगे। हैंड शेकिंग इज अवॉइडेबल, कि हाथ नहीं मिलाना है अब लोगों से हमें अभिवादन नमस्ते करके करना है। नमस्ते, सर झुकाइए, कितना अच्छा लगता है। हैंड शेक करने में क्या होता है कि आपके हाथ में जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो आप दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और वो अपने हाथ जब अपना मुंह पे लगाता है तो वो बीमारी उसके अंदर चली जाती है। दूसरी चीज, एटिकेट फॉर कफिंग एंड स्नीजिंग। खांसी और छींक, हम पहले जब एडवाइस किया जाता था, ये करा जाता था कि हाथ लगा लीजिए जिससे दूसरे को ना जाए, लेकिन क्या है कि अब जब हाथ आपने लगाया तो बैक्टीरिया वायरस आपके हाथ में आ गए। कोविड के बारे में वायरस, अदरवाइज और भी बीमारियां हैं जो कि आपके हाथ में आ गई। अब आपने हैंडशेक किया या किसी दरवाजे को टच किया या टेबल को टच किया, अब ये बैक्टीरिया वायरस वहां पे चला गया। दूसरे किसी ने वो सरफेस टच करी, उसके हाथ से जाके फिर उसके बॉडी में चला गया, वो भी इन्फेक्ट हो गया। तो नाउ वी हैव टू लर्न, हमें जब भी खांसी करनी है या स्नीज करना है, छींक लेनी है, तो हमें बाजू पे जिससे वो थूक या जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर ना फैले, तो ये चीज़ हमें लर्न करनी है। या हम अपने रुमाल में या टिश्यू पेपर पे करें तो उसको हम साथ साथ डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको किसी दूसरे सरफेस पे ना रखें, ये चीज़ हमें लर्न करनी है। दूसरे, मास्क का यूज़ करना है हमें। ऑफकोर्स अभी तो एडवाइजेबल है कि मास्क हर कोई पहने कि जिससे बीमारी ना फैले, बट एक बार ये कोविड का पीक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी मैं एडवाइस करूँगा कि जो लोग बीमार होते हैं, जिनको खांसी, छींक ये या अपर रेस्पिरेटरी बीमारी है, वो ड्यूरिंग डिसीज टाइम वो अपना बीमारी के समय मास्क का यूज़ करें कि जिससे वो अपनी बीमारी दूसरों को ना फैलाएं। समाज में हमारी एक ड्यूटी भी होती है कि जैसे हम इतनी बीमारी से बचने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन्फेक्टेड, खुद इन्फेक्टेड हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम इस इन्फेक्शन को अपने से दूसरे में फैलने से रोकें। तो हमारी ये सोशल और एक नेशनल ड्यूटी है आज की तारीख में कि हम लर्न करें कि हमारा इन्फेक्शन दूसरे पे ना सके, और मास्क प्रिवेंट करता है हमारे इन्फेक्शन को दूसरे में। जो बीमार नहीं है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो बीमार है वो मास्क पहने। दूसरे, हैंड हाइजीन, रेगुलरली हम हाथ धोएं। हम पता नहीं किस किस सरफेस को, दरवाजे को, टेबल को, किस सरफेस को टच कर रहे हैं, वहाँ पे किसी इन्फेक्टेड पेशेंट्स के ड्रॉपलेट्स पड़े तो उससे वो चीज़ सरफेस इन्फेक्ट हो गई और वहाँ पे कोविड का वायरस या और बीमारियों के वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो अपने हाथ को धोएं। लेकिन इसमें पीछे ना भागे कि हमें सैनिटाइजर चाहिए, सिंपल सोप एंड वाटर, साबुन पानी से हाथ धोइए, बहुत इफेक्टिव है। सैनिटाइजर से ज़्यादा इफेक्टिव है सोप एंड वाटर, और सोप में भी कोई आपको मेडिकेटेड सोप या बहुत हाई क्वालिटी सोप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो साबुन से हाथ धोइए, साबुन पानी ज़्यादा इफेक्टिव है सैनिटाइजर से। सैनिटाइजर की हमें ज़रूरत तब है जब, जहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हम हाथ नहीं धो सकते, वहाँ पे हमने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को यूज़ कर लिया। दूसरे, हाथ को बीच बीच में मॉइस्चराइजर भी यूज़ करें, गुड क्वालिटी लिक्विड सोप, क्योंकि बार बार हाथ धोने से हाथ ड्राई हो जाते हैं। यू कैन यूज़ गुड क्वालिटी लिक्विड सोप या मॉइस्चराइजर सो दैट कि आपके हाथ भी ड्राई ना हो। हैंड हाइजीन में जब भी हम हाथ धोएं तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि सारे सर्फेस, ये उंगलियों के बीच में, नील्स, नेल्स, टिप ऑफ फिंगर्स, रिस्ट, ये एरिया हम मिस ना करें।
नेल्स हम रेगुलरली कट करें, क्योंकि नेल्स के बीच में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस घुस जाते हैं। दूसरे, जब भी हम बाहर जाएं, लौट के जब हम घर पे आएं, तो हमारे कपड़े सब पे, पता नहीं बाहर के एनवायरनमेंट से क्या क्या बैक्टीरिया और वायरस हमारे कपड़ों पे हैं, हमारे बॉडी पे हैं, तो हम घर में घुसते समय सबसे पहले दूसरे अपने फैमिली मेम्बर से कॉन्टैक्ट करने से पहले स्नान करें, नहा लें, और अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज कर लें, उन कपड़ों को धुलने में भिगो के रख दें, कि जिससे हम बाहर के एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया और वायरस हम अंदर ना लें। वेजिटेरियन बने, क्योंकि ये जितने भी ये गंदे वाले वायरस, जैसे कोविड वायरस कहीं ना कहीं बैट या पेंगोलिन से आया है, तो जानवरों के एनिमल डाइट से हमें ये सोर्स मिल रहे हैं, तो भी वेजिटेरियन। और दूसरे, जो घर में बाहर से जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको वॉश करके घर में एंट्री दें, जैसे मिल्क के पैकेट हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, सब्जियाँ, फल, उनको घर में घुसने से पहले बाहर ही हम वॉश कर लें, कि जिससे उनकी सरफेस यदि कंटामिनेटेड है, उन पर बैक्टीरिया वायरस लगे हुए हैं, तो वो आपके घर को इन्फेक्ट ना करें। एक और चीज़, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान चल रहा है कि कुछ दवाइयाँ हमें कोविड इन्फेक्शन से बचाती हैं, क्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन है, या और दूसरी पैथीज की और बहुत सारी दवाइयों के नाम आ रहे हैं, कि ये दवाई लीजिए और आप प्रिवेंट हो जाएंगे, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा या बीमार नहीं पड़ेंगे। एज ए डॉक्टर आई वुड एडवाइज कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफेक्ट हैं। हम जब पेशेंट को जज करते हैं, तब उसको क्या इफेक्टिव मेडिसिन देनी है, किस डोज में देनी है, डिसाइड करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोई भी दवा फूल प्रूफ नहीं है, कोई भी दवा बहुत अच्छी नहीं है, और कोई भी दवा बहुत ख़राब नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, वही प्रगति करेगा जो इस टाइम में इवॉल्व करेगा, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करेगा, और इस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।